देवपुर गांव में शारदा और अनामिका नाम की मध्यम वर्गीय सास बहू रहती थी। दोनों बहुत ही खुश मिजाजी थे। ऐसे ही एक दिन शारदा अपनी बहू अनामिका से कहती है, बहू, अरे बहू। बुलाया सासू माँ? हाँ बहू, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने होंगे। आप बस पैर पे पैर धरे हुए बैठिए सासू माँ, मैं हूँ ना, मैं लाजवाब व्यंजन बनाऊंगी। मेहमान व्यंजन खा के बस प्रशंसा करेंगे, फिर देख लेना सासू माँ, प्रशंसा सुन के आप कहीं परेशान ना हो जाए। अरे बहू, सपने में मत उड़ो और ज्यादा भ्रम में मत रहो, वैसे भी तुम्हें खाना पकाना आता ही कहाँ है। क्या बात कर रही है माँ जी, आप कह रही है कि खाना नहीं पकाना आता, आप कह रही है। अब आपका जमाना नहीं रहा सासू माँ, यूट्यूब का जमाना चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आता नहीं। हम यूट्यूब पर जो चाहे देखकर उसे आसानी से सीख सकते हैं। मैं यूट्यूब देखकर खाना बनाऊंगी, आपको फिर विश्वास नहीं होगा, आप बस मेरी गुणगान गाएंगी। तुम्हें देखकर लग रहा है व्यंजन तुमने पका लिया और उसे खाकर स्वाद भी मेरे मुंह में आ गए। लो बेटा, ये पैसे लो और बाजार जाके जो जो पकाने का सामान चाहिए ले आओ। ठीक है सासू माँ। इतना कहकर अनामिका सासू माँ से पैसे ले लेती है और बाजार के लिए निकल जाती है। वो एक गुंबद आकार की टोकरी लेकर अपने साथ जा रही थी। ये देखकर पार्वती दीवार से झुककर कहती है, बहू, गुंबद के आकार की मुर्गी ढकने वाली टोकरी लेकर कहाँ जा रही हो? चाची, घर पे मेहमान आ रहे हैं। सासू माँ ने पैसे दे के कहा खाना पकाने के सारे जरूरत के सामान ले आने के लिए, इसीलिए बाजार जा रही हूँ। आपके लिए भी कुछ ले आऊँ क्या? सामान लाने के लिए बाजार जा रही हो वो तो ठीक है, पर गुंबद आकार की ये टोकरी क्यों ले जा रही हो? आपको क्या लगता मैं बेवकूफ हूँ या फिर मुझे कुछ आता ही नहीं? सासू माँ ने जो जो सामान लाने के लिए कहा है अगर उस बैग में नहीं अटा तो, इसीलिए मैं ये टोकरी ले ली हूँ। इस टोकरी का आकार काफी बड़ा है, इसमें सारे सामान अट जाएंगे। वो बात नहीं, किराने का सामान तो बैग में ही लाना चाहिए। आप जो भी कहिए चाची, बैग लाने के दौरान हाथ में बहुत दर्द हो जाता है, पर अगर इस टोकरी को ले जाओ तो सर पे सामान रख कर भी तो ले आ सकती हो ना। इतना कहकर अनामिका अपनी टोकरी लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वहाँ से वो चिकन शॉप जाती है, वहाँ जाके 4 किलो चिकन मांगती है। वहाँ मुर्गी के दुकान के मालिक ने कहा आधा घंटा बाद आइए, सब तैयार रखूंगा। वहाँ से अनामिका सीधा किराने के दुकान पर जाती है और जो जो जरूरतमंद चीजें थी उसकी लिस्ट वो उन्हें दे देती है। दुकान के मालिक सभी सामग्री उसे दे देते हैं। फिर उस गुंबद आकार की टोकरी में सारे सामान रख के अनामिका वापस चिकन की दुकान चली जाती है। वहाँ उसने 4 केजी चिकन जो अनामिका ने मांगा था वो दे दिया। वो उसे टोकरी में रखती है और सर पे लेके वहाँ से निकल जाती है। छोटी छोटी चीजें जो टोकरी में थे वो धीरे धीरे टोकरी से नीचे गिरते गए, पर अनामिका को इस बात का पता ही नहीं चला। वो धीरे धीरे चलते चलते घर पहुँच गई। अब अपने सर से टोकरी जब वो नीचे रखी तो देखी कि टोकरी में बस कुछ ही सामान बचे हैं। ये देखकर वो कहने लगी, सासू माँ। ऐसे चिल्लाई कि शारदा के हाथ से पानी का ग्लास हवा में उड़ के सर पे चोट लगी। क्या हो गया, ऐसा गला फाड़ के क्यों चिल्ला रही हो जैसे घर में आग लग गई हो? देखिए सासू माँ, इस टोकरी में शैतान है। इसमें शैतान क्यों रहेगा भला? ज्यादा परेशान मत करो और खुद भी परेशान मत हो, पहले बताओ क्या हुआ है। सासू माँ, आपके कहवे सारे सामान इस टोकरी में रखे और इसे सर पे लेके मैं घर लौट कर आई। घर आके मैंने देखा बस कुछ ही सामान बचे हुए, बाकी सामान लगता है शैतान ने खा लिया। कोई शैतान वैतान नहीं है, इस तरह की टोकरी लेकर कौन सामान लाने जाता है बताओ? सारे भारी भारी सामान रह गए और हल्के हल्के सामान गिर गए। तुमने सोचा शैतान आके सारा सामान खा गया और चिल्ला के पूरे घर को सर पे उठा रही हो? वो बात नहीं है माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। एक और शब्द कहा तो देखो मैं कैसी पिटाई लगाती हूँ। चुपचाप मुंह बंद करो और जाके खाना पकाओ। फिर अनामिका ने बिना कुछ कहे चुपचाप उस डोम आकृति की टोकरी लेकर किचन में चली जाती है। उसने सारा सामग्री तैयार कर लिया और बस फोन ऑन करने वाली थी, तभी अचानक फोन हाथ से फिसल के गिर जाता है। वो जल्दी से उसे ऑन करने की कोशिश करती है, फोन ऑन हो जाता है। ये देखकर अनामिका निश्चिंत होती है। हाय भगवान, आपने बचा लिया, अगर ये फोन आज ऑन नहीं होता तो सासू माँ तो सबक सिखा देती। ऐसा सोचकर वो चिकन बिरयानी बनाने का वीडियो ऑन करती है।
उसने आवाज तेज किया पर उससे आवाज ही नहीं आ रही थी। तब अनामिका सोचती है कि ऑडियो अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो गया, वीडियो तो आ रहा है ना। वीडियो देखकर मैं ऐसा बिरयानी बनाऊंगी कि उसे खाकर लोग बस तारीफ ही करते रह जाएंगे। ये सोचकर वो बिरयानी बनाती है। फिर आधे घंटे बाद शारदा वहाँ आती है। बहू खाना पक गया क्या? देखो ना अतिथि नहीं आ रहे पर मुझे बहुत भूख लगी है, खाना पड़ोसो तो। ये क्या सासुमा, अतिथियों ने तो बिरयानी खाने का सौभाग्य ही गवा दिया। छोड़िए आपको भूख लगी है ना, अब आप ही खा लीजिए। ऐसा कहकर अनामिका बिरयानी प्लेट में पड़ोसती है और सासू माँ को खाने के लिए दे देती है। ये देखकर खुशी खुशी शारदा बहुरानी का बनाया हुआ बिरयानी का प्लेट लेती है और उसे चख के देखने लगती है। बस उसके बाद जो निवाला शारदा के मुंह में गया था वो निवाला सीधा अनामिका के मुंह पे आ गिरा। अनामिका डर के मारे, सासू माँ क्या हो गया। फिर अनामिका एक ग्लास पानी ला के देती है। अच्छा हुआ मेहमान ने ये कचड़ा नहीं खाया, अगर वो खा लेते तो मरते दम तक मुझे गाली देते और वो सुन के मेरा जान ही निकल जाता। बेटा बहू फिर कभी बिरयानी मत बनाना। सासू माँ की बातों पर उसे भरोसा नहीं हुआ। अनामिका थोड़ा बिरयानी लेकर मुंह में डाल ली। कुछ देर बाद अनामिका के मन को पूरी तरह से तसल्ली हो गई। फिर अपनी सासू माँ के पास आकर वो कहने लगी, सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं कभी भी YouTube देखकर खाना नहीं पकाऊंगी, मुझे नहीं पता था कैसे पकाना है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अपने नेक दिल से शारदा अपनी बहू अनामिका को माफ कर दिया और उसके बाद से उसे खाना पकाना भी बहुत अच्छे से सिखाया। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गाँव में अनामिका और रानी थी, दोनों बहुत नटखट बहुएं थी। उनकी नटखट्टा के कारण उनकी सासू माँ बलि का बकरा बनती थी बेचारी। एक दिन अपनी दोनों नटखट बहुओं को लेकर अपने खेत में जाती है शारदा। बहू तुम दोनों अलग अलग दिशा में जाओ और जाके पेड़ लगाओ, मैं पेड़ के नीचे थोड़ा बिस्तर लगा के आराम करती हूँ। जब तक शारदा अपने बहुओं के उत्तर की प्रतीक्षा में थी वो दोनों कुछ ना कहकर वहीं से चली जाती है। देखा दीदी हमारी सासू माँ राजकुमारी की तरह बिस्तर लगा के सोएंगी, वो भी आराम से, और हम दोनों जाके धूप में काम करेंगे। सासू माँ के बारे में तो जानती हूँ, छोड़ो ना बहन। गुड़ नहीं है वो महारानी, अदरक है अदरक, गरम और मसालेदार। हम पेड़ के नीचे थोड़ी देर थे कि नहीं, उन्हें इस बात की जलन हो गई। मैं तो श्राप देती हूँ श्राप, उसे सांप काटे उसे बिच्छू काटे। ऐसा गुस्से में कहकर रानी अपना काम करने लगती है। अनामिका उसे देखकर मुस्कुराती है और वो भी अपना काम पे लग जाती है। देखते ही देखते एक घंटा निकल जाता है। पेड़ के नीचे शारदा बिस्तर पर आराम से सो रही थी, वहाँ सांप आता है और फुंकार रहा होता है। आँख खुलते ही शारदा सांप देखकर घबरा जाती है। अनामिका रानी इधर जल्दी आओ, लगता है सासू माँ जग गई है। ये सोचकर वो दोनों सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ के सामने सांप देखकर वो भी बहुत घबरा जाती है। हाय भगवान देखो, सावधान रहना बहन, देखो तुम्हारे मुंह की बात बिल्कुल सच हो गई, तुमने ऐसा ही कहा था ना, सासू माँ के सामने सांप आ गया। अरे दोनों बहनें क्या कर रही हो, कुछ करो इस सांप को यहाँ से भगाओ। सासू माँ काफी डरी हुई थी। अब इस तरह से सासू माँ के कहने पे दोनों बहनें सोचने लगती है कि सांप को किस तरह से भगाया जा सके। दीदी अगर हम बीन बजाए तो सांप चला जाएगा क्या? वो चला जाएगा बहन, पर हमें बीन कहाँ से मिलेगा? एक तरकीब आई है दीदी। ऐसा कह के रानी वहाँ से चली जाती है। अनामिका और उसकी सासू माँ दोनों ही इस सोच में थे कि आखिर में रानी करना क्या चाह रही है। रानी एक बड़ा सा डंडा ला के सांप को मारने ही जाती है कि अनामिका रोक लेती है। सासू माँ तो आँख ही बंद कर लेती है। दीदी आपने मुझे क्यों रोका? अगर तुम सांप को जोर से भी मारी तो वो सांप कभी नहीं मरने वाला, समझी? ये तो छोटा सांप था, इसे बड़े डंडे से मारना था, इसीलिए लंबा और मजबूत डंडा में लेकर आई। बहुत हुआ बेवकूफी का, अगर हड़बड़ी में कुछ भी की तो सासू माँ जिंदा नहीं रहेगी। मतलब फोटो पे माला चढ़ाना होगा? ऐसी बुरी बातें मत करो, मुंह बंद करो तुम लोग। तो क्या सासू माँ, डोसा पापड़ वड़ा सोचूं? अगर आपका मुंह बंद करने जाऊं तो सांप आके मेरे हाथ पे काटेगा, आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर तो मुझे शमशान घाट ले जाना पड़ेगा, यही ना?
आपका यही इरादा है ना? सांप आके शारदा के सामने फन उठा के खड़ा था। शारदा का चेहरा दुखी हो जाता है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम दोनों बहनों के सामने मेरे साथ मत खेलो, इसे भगाने का कोई तरीका सोचो। उनके कहने के बाद रानी फिर कुछ सोचने लगती है। अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो अपना हाथ का डंडा फेंक देती है। अनामिका और शारदा दोनों ही आश्चर्य थे। थोड़ी देर बाद रानी एक बड़ा सा पत्थर उठा के शारदा के पास ले आती है। अनामिका फिर रानी को रोकती है। बहन, तुम क्या सासू माँ को मारना चाहती हो? अरे दीदी, आप ही ने तो कहा था उसे डराने से वो यहाँ से चला जाएगा। ऐसा कह के रानी उसे ढक देती है। फिर दोनों बहनें सांप के पास जाकर विनती करने लगते हैं। नाग देवी, हम आपको दूध देंगे, आप यहाँ से चले जाइए। फिर भी वो सांप वहाँ से हिला नहीं। दूध के साथ साथ हम आपको अंडे भी देंगे, आप सासू माँ को छोड़ दीजिए। रानी के कहने के बाद भी वो सांप वहाँ से हिला नहीं। चिकन भी दूंगी। अभी भी सांप वहाँ से हिला नहीं। सासू माँ का 7 तरह का जेवर दूंगी। फिर भी सांप को कोई फर्क नहीं पड़ा। मटन खिलाऊंगी। सासू माँ का सारा जायदाद दे दूंगी। फिर भी सांप वहाँ से हिला नहीं। आपके लिए सासू माँ एक बड़ा सा मंदिर बनवा देगी। फिर सांप वहाँ से चला जाता है। शारदा को राहत मिलती है। अब चूंकि शाम हो चुकी थी, शारदा अपनी दोनों बहुओं को लेकर घर लौटने लगती है। घर लौटने के दौरान रानी कहती है, सासू माँ घर जाते ही 10,000 रुपए दीजिएगा ताकि हम मंदिर का काम शुरू कर सके। 10,000? एक छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए 10,000 की क्या जरूरत है बहू रानी? मुझे पता था आप ऐसी बहाना बनाएगी। मैंने ही कहा था सासू माँ मंदिर बना देगी, आप मंदिर बनाएंगे तो अच्छा ही होगा। तो क्या आके काट लेगा? तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं ऐसे सांपों के साथ खेला करती थी। उनकी ऐसी बातें सुनके अनामिका और रानी अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है। उधर रानी मन ही मन मुस्कुराती भी है। फिर तो सासू माँ, वो सांप फिर से आके आपके साथ खेलेगा और फिर हमारी यहाँ क्या जरूरत है? चलो बहन, हम भाग चलते हैं। ऐसा कह के दोनों बहनें वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। वो आसपास देखती है और वो भी भागने लगती है। वो काफी डरी हुई थी। पता नहीं सांप किस दिशा से आके हमारा पीछा करने लगे। बहू रुको। दोनों बहनें सासू माँ शारदा के आगे आगे भागते भागते एक पेड़ के नीचे जाके रुकती है। सासू माँ भी भागते भागते उन दोनों बहनों के पास जाकर उस पेड़ के नीचे रुकती है। सुनो बहू, 10,000 नहीं, मैं 20,000 दूंगी, मंदिर का निर्माण करो। शरारती बहनें सासू माँ की बातें सुनकर हंस पड़ी। बहन, तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक सिल्क की साड़ी, क्या कहती हो? तुम बहुत अच्छी हो दीदी, ऐसा ही करो। इस तरह से फुसफुसा के दोनों बहनें बातें करती है। ये देखकर शारदा कहने लगती है, अरे बहू, तुम लोग क्या फुसफुसा रही हो? फुसफुसा नहीं रहा सासू माँ, सांप फुफकार रहा है। अनामिका सांप की तरह फुफकारने लगती है। बस इतना। उसके बाद शारदा वहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर दोनों नटखट बहुएं खूब जोर जोर से हंसती है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।